हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ। जैसे दोस्तों आप लोगों को खबर हो गया होगा कि व्हाट्सएप में कुछ न्यू अपडेट आ गया है, जिससे कि कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट्सएप कभी भी फ्यूचर में अगर बैन भी होता है तो आप कौन सी ऐप यूज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इस टाइम ट्रेंडिंग में एक ऐप चल रही है जो कि व्हाट्सएप को टक्कर दे सकती है, जिसका नाम सिग्नल ऐप है दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये पूरा व्हाट्सएप की जैसे ही है। इसमें जैसे कि आप व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो, मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो, फोटो फाइल्स ये सभी आप शेयर कर सकते हो। तो आप इस सिग्नल ऐप में भी उसी तरह आप ये सभी चीज़ कर सकते हो, यानी फोटो शेयर कर सकते हो, चैट कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो। आप इसमें वीडियो कॉल, चैट कॉल आप सभी कर सकते हो, जिस तरह आप व्हाट्सएप पे करते हो। जैसे कि अगर फ्यूचर में कभी भी बैन होता है व्हाट्सएप, तो आप ये सिग्नल ऐप आप लोग इसे यूज कर सकते हो। क्यों दोस्तों, इस टाइम जैसे कि न्यू अपडेट आया व्हाट्सएप में, तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है सिग्नल ऐप। ठीक दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप कैसे सिग्नल ऐप को यूज कर सकते हो और इसमें आप कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो यही सही चीज़ें बताऊँगा आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और आप लोगों को इस एप्लीकेशन का रिव्यू बताते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने सिग्नल ऐप पे ओपन हो जाता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये सिग्नल ऐप है। तो आप जिस तरह आप व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हो दोस्तों, तो आपको सिंपल उसी तरह अपना अकाउंट क्रिएट करना है मोबाइल नंबर से। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो ये कुछ इस तरह इसका इंटरफेस ओपन होता है। तो जैसे ही आप दोस्तों आप इस पर होम पेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ यहाँ पे सेटिंग आ जाएगी। जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप पे जैसे कि फ़ोटो अपलोड करते हो, वैसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा व्हाट्सएप पे अपलोड करने के लिए। जैसे कि अगर आपको गैलरी से कोई भी फ़ोटो लेनी हो और अपलोड करनी हो, तो आप यहाँ से सिंपल अपलोड कर सकते हो कोई भी फ़ोटो लेके। जैसे कि कोई भी एक फ़ोटो चूज़ कर लो और यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। जैसे कि एक ये फ़ोटो है, तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल क्लिक कर देना है तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह सेव हो जाता है। तो आप जैसे व्हाट्सएप पे सेव करते हो, तो इसी तरह आप यहाँ भी सेव कर सकते हो। इसमें भी दोस्तों आप SMS कर सकते हो, डिसेबल इनेबल। ठीक दोस्तों, इसमें आप नोटिफिकेशन ऑन ऑफ़ कर सकते हो। इसमें आपको साउंड का दे देगा, इसमें आप यहाँ पे साउंड लगा सकते हो। जो भी आपका नोटिफिकेशन रिंग टोन होगा तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी यहाँ पे बाजेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जैसे ही आप बैक आओगे, आप यहाँ पे प्राइवेट कर सकते हो अपने नोटिफिकेशन को। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप अपने LED कलर को किसी भी कलर पे आप चेंज कर सकते हो। कोई भी कलर हो आप यहाँ पे आसानी से चेंज कर सकते हो, ब्लू, ग्रीन, रेड, आपको जो भी अच्छा लगे तो आप ये कलर यहाँ पे ले सकते हो। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको चैट साउंड मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप किसी से चैट कर रहे हो, अगर आपको चाहिए कि आपको साउंड करते तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इसमें ये कुछ इस तरह इसमें दिया रहेगा आपको नोटिफिकेशन के लिए। ठीक दोस्तों, इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी मिल जाएगा। जैसे कि आपको व्हाट्सअप पर प्राइवेसी मिलता था, इसमें भी आपको प्राइवेसी मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपको पिन नंबर दे देता है, यानी आपको इसमें 4 डिजिट का अपने हिसाब से पिन नंबर करना पड़ता है, जिससे कि आपका कोई भी हैक ना कर पाए। ठीक दोस्तों, इससे क्या रहता है कि इससे रजिस्टर हो जाता है, लॉक हो जाता है, जो कि व्हाट्सएप में ये सिस्टम नहीं है। ठीक दोस्तों, जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे 4 डिजिट का करना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पे लॉक लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपका अकाउंट हैक ना हो। ठीक दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको जैसे ही बैक आओगे तो यहाँ पर आपको थीम सिस्टम दे देगा, यानी आपको यहाँ पे लाइट मिल जाएगा, आप यहाँ पे लाइट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे डार्क सिस्टम भी कर सकते हो। और इसमें दोस्तों आपको इसमें बहुत सारे लैंग्वेज मिल जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, आपको जो भी यहाँ पे लैंग्वेज सेट करना हो आप यहाँ पे लैंग्वेज भी सेट कर सकते हो, जिस तरह आप व्हाट्सएप पे सेटिंग पे देखते होगे। और यहाँ पे आपको चैट मिल जाएगा, यानी चैट मीडिया फाइल मिल जाएगा। जैसे कि आपको व्हाट्सएप पे चैट मीडिया फाइल मिलता था, आपको उसी तरह इसमें भी मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, यानी पूरा सेम ही है व्हाट्सएप की जैसे।
और यहाँ पर आपको स्टोरेज को देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिंक के डिवाइस मिल जाएगा, जो भी डिवाइस से आप इसे लिंक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आसानी से लिंक कर सकते हो। ठीक दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको एडवांस सेटिंग मिल जाएगी, जो कि आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग दिख जाएगी। ठीक दोस्तों, इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे पैक आओगे तो जैसे ये पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पेंसिल के आइकन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे इनवाइट कर सकते हो, और यहाँ से आप अपना ग्रुप भी बना सकते हो। जो भी ग्रुप बनाना चाहो तो आप यहाँ से ग्रुप भी बना सकते हो। ठीक दोस्तों, बैक आने के बाद दोस्तों जैसे ही आप पेंसिल के आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इनवाइट टू सिग्नल मिल जाएगा। आप यहाँ से अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो, जो भी फ्रेंड हो आप यहाँ पे आसानी से इसको इनवाइट कर सकते हो। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप चैट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को व्हाट्सएप पे चैट करने का ऑप्शन मिलता था, उसी तरह इसमें भी ऑप्शन मिलेगा। इसमें भी आप दोस्तों इमोजी शेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आप डिलीट कर सकते हो इमोजीज को, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे डिलीट करते हो तो इसमें सेम ही चीज़ है दोस्तों, आप आसानी से कर सकोगे। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इमोजीज मिल जाएंगे, इसमें आपको उसी तरह व्हाट्सएप की जैसे ही इमोजीज इसमें मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, और ये इमोजीज सभी फ्री रहेंगे। ठीक दोस्तों, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसमें आपको बहुत सारे न्यू इमोजीज मिल जाएंगे, आपको जिस टाइप की इमोजीज चाहिए आप उस टाइप की इसमें इमोजीज शेयर कर सकते हो, जैसे कि कोई भी इमोजी सो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों आप आइडियो भेज सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आइडियो आपको भेजना हो आप यहाँ पे आइडियो भेज सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों आप अपना यहाँ पे फ़ोटो जी आप जो भी फाइल भेजना हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भेज सकते हो। ठीक दोस्तों, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन दे देता है और कॉल का ऑप्शन दे देता है, यानी जैसे कि आप व्हाट्सअप पे करते हो आपको पूरा वही सिस्टम दे देता है। ठीक दोस्तों, तो इसमें भी कुछ इस तरह है। तो अगर दोस्तों कभी भी फ्यूचर में अगर व्हाट्सएप बैन होता है तो आप ये सिग्नल ऐप यूज कर सकते हो, ये प्राइवेसी है और ये दोस्तों मेन चीज़ मेड इन इंडियन है। ठीक दोस्तों, तो आप ये कुछ इस तरह इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो चैट के लिए, और अपने फ्रेंड को इनवाइट करके आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।